थैंक यू सुधीर। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बिपरजॉय की दस्तक सुनाई दे रही है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। तूफान 15 जून की शाम तक कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मछुआरों को तटीय इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात के खतरे के बीच कच्छ में 3.5 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल के मंडी से बादल फटने की खबर आई। कुछ सेकंड की बारिश ने जमकर तबाही मचाई। दूसरी ओर असम के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। गुवाहाटी में सुबनसरी पावर प्लांट को नुकसान पहुंचने की खबर है। डिब्रूगढ़ में भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। इस बीच उत्तर भारत में गर्मी का कोहराम जारी है। दिल्ली समेत पूरे NCR और UP से लेकर बिहार तक सूरज का सितम जारी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है। दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग में नामांकन के दौरान सत्ताधारी TMC के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम से हमला किया। उधर बांकुरा जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से बैग बरामद किया। हिंसा की घटनाओं के बीच BJP ममता सरकार पर हमला कर रही है। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में BJP के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। 16 जून को बिहार के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। संतोष मांझी की जगह जनता दल यूनाइटेड के विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जाएगा। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। रत्नेश सदा के अलावा दो दूसरे विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। RJD और कांग्रेस को एक एक मंत्री पद मिल सकता है। इस बीच नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को ED ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले बालाजी से करीब 24 घंटे तक पूछताछ हुई। ED की कार्रवाई और पूछताछ के दौरान सेंथिल ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दर्द से रोते हुए दिखे। हरियाणा में किसानों का बंद बेअसर रहा। बहादुरगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को बंद तो कराया, लेकिन प्रशासन के साथ बातचीत के बाद रास्ता खोल दिया। गोहाना में भी किसानों ने जाम लगाया। राज्य के सारे शहरों में बाजार और दुकान खुले नजर आए। इससे पहले मंगलवार देर रात कुरुक्षेत्र में हाईवे पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया। कुरुक्षेत्र में किसान सूरजमुखी की MSP बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे मनोहर लाल सरकार ने मान लिया। मणिपुर में अब भी हिंसा जारी है। मैतेई बहुल पूर्वी इम्फाल में 9 लोगों की मौत की खबर है। हमलावर अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। हिंसा के चलते राज्य में इंटरनेट पर बैन 15 जून तक बढ़ा दिया गया। कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। मणिपुर में 3 मई के बाद से जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के द्वारका लिंक हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से एक शख्स की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब JCB का ड्राइवर फ्लाईओवर के नीचे काम कर रहा था। तभी ऊपर से फ्लाईओवर का एक बड़ा हिस्सा आकर JCB के ऊपर गिर गया। दमकल विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और JCB ड्राइवर को मलबे से निकाला, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। मई में थोक महंगाई दर घटकर -3.48% नीचे पहुंच गई। इसके साथ ही थोक महंगाई दर 8 साल के निचले स्तर पर आ गई। इससे पहले अक्टूबर 2015 में आंकड़ा -3.81% पर आया था। अप्रैल में थोक महंगाई दर -0.92% रही थी। इससे पहले 12 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार फुटकर महंगाई दर मई में घटकर 4.25% पर पहुंची थी, जो 25 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। यूरोपीय देश स्पेन में भारी बारिश का कोहराम जारी है। उत्तरी स्पेन पूरी तरह से डूबा हुआ है, सड़कों पर पानी भर गया है। भारी बारिश के बाद के दो वीडियो सामने आए हैं, जिसमें उत्तरी बार्सिलोना और टेरेसा का हाल बेहाल नजर आ रहा है। कई गाड़ियां डूबी हुई है तो कई जगह लबालब पानी भरे होने के कारण मैनहोल से फुहारें निकलती दिख रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सबके लिए ये है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये भी हो सकता है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ही ये अपना अंतिम रूप ले ले या फिर लागू भी हो जाए।
22वें लॉ कमीशन ने आज ही देश के लोगों से अगले 30 दिनों में इस मामले पर अपनी राय देने के लिए कहा है, और इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट में आज सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्या यही मोदी सरकार का सबसे बड़ा दाम होगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भारत का विधि आयोग कहते हैं हिंदी में, और यह फैसला भारत के 22वें विधि आयोग ने लिया है, जिसका गठन हुआ था फरवरी 2020 में। इस मौजूदा लॉ कमीशन का कार्यकाल 3 साल का था, जो इस साल फरवरी 2023 में समाप्त भी हो चुका है, लेकिन इस दौरान सरकार ने इसके कार्यकाल को अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया, और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वर्ष 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए हो सकता है कि मौजूदा लॉ कमीशन का कार्यकाल इसीलिए बढ़ाया गया हो क्योंकि सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को संवैधानिक रूपरेखा देना चाहती है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि उससे पहले 21वें विधि आयोग ने भी इस मुद्दे पर काफी अध्ययन किया था, काफी काम किया था, और तब उस पैनल ने अपने कंसल्टेशन पेपर में ये कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर और ज्यादा चर्चा कराने की जरूरत है। लेकिन इस बात को अब 3 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, और इसीलिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया कि वो फिर से इस विषय पर अध्ययन करेगा और नया कंसल्टेशन पेपर तैयार करने के लिए लोगों से उनकी राय और उनके सुझाव मांगेगा। यह पूरी प्रक्रिया अगले 30 दिन के अंदर लागू हो जाएगी, जिसमें हमारे देश के लोग और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 2 तरीकों से अपनी राय लॉ कमीशन को दे सकते हैं। पहला, वो इस यूआरएल पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं जिसमें उन्हें अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना पता बताना होगा, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। और आप चाहें तो इसी यूआरएल को आप भी नोट कर सकते हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आप यहां जब क्लिक करेंगे तो आप इस यूआरएल पर जाकर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। और देखिए, लोकतंत्र का जो मतलब है वो यही तो है। ये लोकतंत्र में जो जनता है, जो लोग हैं, वो किसी भी विषय पर अपनी राय दे सके। इसलिए आज हम भी आपको ये निमंत्रण देते हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपने सुझाव अगले 30 दिन के अंदर अंदर सरकार को भेज सकते हैं। आपको इस मुद्दे पर 3000 शब्दों में अपनी राय बतानी होगी, या आप 2 MB या उससे कम MB की एक PDF फाइल बनाकर भी अपना सुझाव लॉ कमीशन को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की ईमेल ID नोट कर लीजिए, और वहां पर भी आप अपना सुझाव और अपनी राय दे सकते हैं। ये ईमेल ID है। ये हम आपकी मदद कर रहे हैं क्योंकि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और वर्षों से, दशकों से हमारे देश में लोगों की ये मांग रही है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और अब सरकार ने आपकी राय पूछी है तो आपको इस ईमेल आईडी पर अपनी राय देनी चाहिए, अगर आप इसके पक्ष में हैं तो भी, और अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो भी आपको अपनी राय देनी चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा होती है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपका सुझाव पसंद किया जाता है तो आपको इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता, यानी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून, और ऐसा कानून जो कम्युनल नहीं, सांप्रदायिक नहीं, बल्कि सबके लिए कॉमन है, यानी कम्युनल नहीं, कॉमन कानून। और अभी हमारे देश में 2 तरह के कानून हैं। पहला है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लिए समान है क्योंकि हत्या और दूसरे अपराधों में जितनी सजा किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति को होती है उतनी ही सजा किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को भी होती है। यह हुआ अपराधों से संबंधित जो हमारा कानून है, क्रिमिनल लॉ जिसे हम कहते हैं। लेकिन सिविल लॉ को लेकर हमारे देश में एक समान कानून आज भी नहीं है। सिविल लॉ का मतलब है शादी, संपत्ति और तलाक से जुड़े कानून। भारत में ऐसे मामलों में हिंदू, जैन, सिख
और बौद्ध धर्म के लोग समान कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन ये कानून भारत के मुसलमानों पर, ईसाइयों पर और पारसी धर्म के लोगों पर लागू नहीं होते, क्योंकि इन सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो सभी धर्मों के लोग एक समान कानून के दायरे में आ जाएंगे और तब शायद सही मायनों में भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष बन पाएगा, एक समान बन पाएगा, क्योंकि अभी भारत का संविधान धर्म निरपेक्षता की बात तो करता है, पंथ निरपेक्षता की बात तो करता है और यह भी कहता है कि भारत में समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश में लोगों के धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून भी हैं। जैसे भारत का कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता, और अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो यह विवाह मान्य नहीं होगा, आप सब जानते हैं इसे, और इसे गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की का विवाह मान्य भी है और गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। तो सोचिए, इसी देश में अगर किसी हिंदू की बेटी है जो 18 साल से कम उम्र में शादी कर लेती है तो वो शादी गैर कानूनी हो जाएगी, लेकिन अगर वो लड़की मुस्लिम परिवार से आती है और अगर वो 15 साल की उम्र में भी शादी कर लेती है तो वो शादी कानूनी रूप से सही मानी जाएगी। तो हुए ना दो अलग अलग कानून। भारत में अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमेशा राजनीतिक चश्मे से देखा गया और बहुत सारी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इसका विरोध करती आई है, लेकिन बीजेपी ने अपनी स्थापना के बाद शुरुआती वर्षों में जो गारंटीज लोगों को दी थी, जो वादे लोगों से किए थे, उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा भी था, और सारे वादों में अब यही एक वादा बचा है। बाकी के सारे वादे मोदी सरकार पूरे कर चुकी है। आपको याद होगा, मोदी सरकार ने या बीजेपी ने जो वादे किए थे, राम मंदिर का वादा किया था, पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, पूरा हो चुका है। 3 तलाक को समाप्त करना, यह भी पूरा हो चुका है। और अब बारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो भारत अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बिल्कुल तैयार है और हो सकता है कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आपको ये नया कानून देखने को मिले। हमारा जो खास कार्यक्रम है इंटरव्यू का, जिसका नाम है सीधी बात, उस कार्यक्रम में मैंने भारत के पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू से इसी मुद्दे पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर ही सवाल पूछा था, और आज इस इंटरव्यू का अंश आपको देखना चाहिए। अब किरेन रिजिजू कानून मंत्री तो नहीं रहे हैं, ये जो इंटरव्यू है ये कुछ हफ्ते पुराना है, लेकिन तब वो कानून मंत्री थे और तब उन्होंने क्या कहा था, आज आप सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब बड़ी चर्चा हो रही है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बारे में फिर से सोच रही है, बिल की तैयारी हो रही है, मीटिंग्स हो चुकी, 370 आप ले आए, राम मंदिर हो गया, CAA हो गया, फार्मर्स पर आपने लाने की कोशिश की, 3 तलाक की, हर बार विरोध हुआ, लेकिन अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या स्टेटस है? देखिए, जो संविधान में जो प्रावधान है अनुच्छेद 44, उसमें क्लियरली लिखा है कि स्टेट को एंडेवर करना चाहिए लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, ये संविधान में कहा गया है। उसके तहत जो भी करना है वो तो करना है, उसमें हम अपना मर्जी से नहीं, देश के मेजोरिटी लोगों का सोच, उसमें प्रधानमंत्री जी को देश के करोड़ों लोगों ने विश्वास करके वोट दिया, प्रधानमंत्री जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होकर के सरकार में आए हैं, जो देश के लिए सही है वो तो कदम उठाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और उस पर काम शुरू हो चुका है? आप लोगों को मालूम है हमारे सरकार का मंशा क्या है और सरकार क्या चाहते हैं और देश के लोग क्या चाहते हैं, तो उतना ही मैं कह सकता हूं। तो उसमें जो भी काम करना होगा वो तो समय पे तो होगा ही। सही समय क्या है, 2024 के चुनाव से पहले? तो आप ऐसे पूछेंगे तो वो तो फिर घोषणा ही हो जाएगा, ऐसा बात हम नहीं कर सकते। बट हम इतना कह सकते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ इस तरह की बात हो सकती है। मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें आप भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, हमारा आइडियोलॉजी, वो आप सब जानते हैं, और प्रधानमंत्री जी का सोच देश के लिए क्या है वो भी आप जानते हैं, कई चीज़ें हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग पे रखना चाहिए। बिना हाँ किए हाँ कह रहे हैं,
नहीं, इस पर हाँ ना का सवाल नहीं है, मैंने बहुत क्लियर से आपको रखा है परिस्थिति क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब आप तैयारी कर लीजिए, और हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना एक बहुत बड़ा दांव खेल ले, और ये बीजेपी का एक बहुत पुराना वादा भी रहा है। इसलिए जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, और एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर, भारत के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब हम आपको बेपर जॉय नाम के तूफान से सावधान करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तूफान के दायरे में कौन कौन से राज्य और कौन कौन से शहर आने वाले हैं, और क्या आप भी उन राज्यों में रहते हैं, क्या आप भी उन शहरों और इलाकों में रहते हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए ये जो खबर है ये आपके काम की खबर है, इसे ध्यान से सुनिएगा। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान 15 जून यानी कल शाम 5:30 बजे, अलार्म लगा लीजिए, कल शाम 5:30 बजे गुजरात के एक बहुत बड़े बंदरगाह के पास समुद्री तट से टकराएगा, और इस बंदरगाह को कहते हैं जखाऊ पोर्ट, जो गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। यह नक्शे पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर समुद्री तट से तूफान के टकराने की इस घटना को लैंडफॉल कहते हैं, और इस तूफान का यह लैंडफॉल गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची शहर के बीच है, जिसे आप इस नक्शे पर अभी देख पा रहे थे। मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर कुल 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अलर्ट जारी किया है, जिनमें कौन कौन से राज्य हैं यह भी आप जान लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल, दमन और दीव, और दादर और नगर हवेली इसमें शामिल है। तो पहले तो आप देख लीजिए, अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो आपको ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है, अगर आप इन राज्यों में रहते हैं भारत के नक्शे में जो लाल रंग से हम आपको दिखा रहे हैं। इस तूफान को सेवेर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है ये तूफान बेहद खतरनाक भी है और भारत के लिहाज से बहुत गंभीर भी है, और गंभीर इसलिए क्योंकि इस तूफान की गति बहुत ज्यादा है, बहुत तेज तूफान ये होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि जब यह तूफान 15 जून को गुजरात में कच्छ के समुद्री तट से टकराएगा, उस समय हवा की रफ्तार अधिकतम 155 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 155 किलोमीटर प्रति घंटा, आप ऐसे समझिए जैसे कोई गाड़ी 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है लेकिन उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो वो गाड़ी कितनी ज्यादा तबाही मचा सकती है आप कल्पना करके देख लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए, ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है और वो आपकी तरफ बढ़ रही है और उसकी स्पीड है 155 की। ठीक वैसे ही ये तूफान है जिसकी अधिकतम रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और ये तूफान जब गुजरात में समुद्री तट से टकराएगा तो ये घटना काफी खतरनाक हो सकती है। इस दौरान ऐसी इमारतें जो जर्जर हो चुकी हैं, जो कमजोर हो चुकी हैं, या जो बहुत पुरानी इमारतें हैं, उन्हें काफी नुकसान पहुंच सकता है, और इतनी तेज हवाएं किसी इंसान को भी हवा में उठाकर फेंक सकती हैं, किसी इंसान को भी बड़ी आसानी से हवा में उड़ा सकती हैं। खास तौर पर समुद्री तट के आसपास जो शहर हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, और क्योंकि यह तूफान गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र को मुख्य तौर पर प्रभावित करेगा और यहां ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, इसलिए इससे नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात 12 बजे यह तूफान अरब सागर में गुजरात के पोरबंदर से 260 किलोमीटर दूर, देवभूमि द्वारका से 160 किलोमीटर दूर, कच्छ के जखाऊ पोर्ट से 100 किलोमीटर दूर, कच्छ के नलिया से 130 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से 220 किलोमीटर दूर होगा। यह उसकी स्थिति होगी आज रात 12 बजे। इसके अलावा गुजरात के समुद्री तट से इस तूफान के टकराने में अभी 20 घंटे बचे हुए हैं, उल्टी गिनती चल रही है, सिर्फ 20 घंटे बचे हैं, लेकिन गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुंबई और दूसरे समुद्री इलाकों और जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कि जब यह तूफान गुजरात पहुंचेगा तब कैसी स्थिति हो सकती है, कल्पना कर सकते हैं आप। किसी भी तूफान के लैंडफॉल के बाद वो तूफान थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन क्योंकि यह तूफान
अति गंभीर श्रेणी का है, अति खतरनाक श्रेणी का है, इसलिए ये गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र को प्रभावित करने के बाद 16 जून को दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अपना असर दिखाएगा। कहां असर दिखाएगा? राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, पाली और सिरोही में इतनी बारिश हो सकती है जितनी दिल्ली जैसे शहर में मॉनसून के मौसम के दौरान पूरे एक महीने में होती है। इसके अलावा इसी तरह की भारी बरसात गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुंबई शहर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा और कर्नाटक के समुद्री इलाकों में भी हो सकती है। जब कम समय में ज्यादा और भारी बरसात होती है तो इससे बाढ़ आने का खतरा भी पैदा हो जाता है और इससे तबाही और ज्यादा खतरनाक होती है, और यही वजह है कि इस तूफान को बहुत खतरनाक माना जा रहा है और इस तूफान के बाद कई इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। ऐसे ताकतवर तूफानों को किसी भूकंप की तरह माना जाता है और यही वजह है कि भारत और अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अरब सागर से आ रहे इस तूफान से निपटने में अपनी पूरी ताकत इस समय लगा दी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपना तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया है और वो लगातार प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके इस तूफान पर नजर रख रहे हैं। बैठकें लगातार चल रही हैं कि इसका जो नुकसान है उसे कैसे कम से कम किया जा सकता है, कैसे सबसे पहले जो कोशिश है वो ये है कि किसी की जान ना जाए और दूसरी कोशिश ये है कि बाकी के जो नुकसान होते हैं, जान और माल दोनों का नुकसान कम से कम हो। आज शाम 5 बजे तक गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों से कुल मिलाकर 48,000 लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा चुका है और इनमें 45,000 से ज्यादा लोग अकेले गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के हैं। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। लगभग 50,000 लोगों को इन इलाकों से बाहर ले जाया जा चुका है, शिफ्ट किया जा चुका है। और आज आपको यह तस्वीर भी देखनी चाहिए जिसमें एक राहत शिविर में रेस्क्यू किए गए तमाम लोग लेटे हैं और बड़ी स्क्रीन पर जरा देखिए, ये वो लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है राहत शिविर में। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए सारे लोग इस समय बिल्कुल निश्चिंत हैं, आराम से हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन सारे के सारे लोग अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त हैं और हो सकता है मोबाइल फोन पर ये लोग इसी समुद्री तूफान के बारे में खबरें देख रहे हो। तो इस खतरे को देखते हुए भारतीय रेल ने भी 95 ट्रेनों के संचालन को रद्द कर दिया है। तो 95 ट्रेन भारतीय रेल की रद्द कर दी गई है। तो आप अगर कहीं रेल यात्रा पर जाने वाले हैं तो पहले से चेक कर लीजिए कि आपकी जो ट्रेन है वो चल भी रही है या नहीं चल रही, और क्या आपकी ट्रेन इन इलाकों से गुजरने वाली थी। तो आपको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। हम तो आपको ये कहेंगे कि इन राज्यों में अगर आप जाने वाले हैं, मान लीजिए आप नहीं रहते हैं लेकिन यहां आप काम से जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं इन राज्यों के आसपास, तो फिर थोड़े दिन के लिए अपने इस कार्यक्रम को टाल दीजिए। गुजरात के श्री द्वारकाधीश मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये तूफान कितना गंभीर होगा। मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। सरकार का अनुमान है कि इस तूफान से भारत को 600 से 900 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है और इसकी वजह से अरब सागर में समुद्र के जरिए होने वाले व्यापार और बंदरगाहों को भी काफी नुकसान होगा, जिसे वो राज्य भी जिससे प्रभावित होंगे जो समुद्र तटों से नहीं लगते हैं, नुकसान वहां पर भी होगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि इस चक्रवाती तूफान के चक्रव्यूह में सिर्फ वही राज्य हैं जो इसकी चपेट में आ रहे हैं, बल्कि अगर आप एक ऐसे राज्य में या शहर में रहते हैं जो इसके दायरे में नहीं है, वहां पर भी किसी ना किसी रूप में नुकसान जरूर होगा। इसलिए आप पर भी इसका असर हो सकता है, बेशक आप इन इलाकों में ना रहते हो। तारीख तक पूरा जो समुद्र के इलाका है नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और इसके आसपास तो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी डिस्टर्ब रहेगा, हाई वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है, ऐसे 10 से 14 मीटर
वी हैव डीप सी में डेवलप हो सकता है। बिपोर जो है जिस जगह से टकराने वाला है, जहाँ पे लैंडफॉल होने वाली है, उसी जखाऊ पोर्ट पर हम मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समुन्दर है, ये जखाऊ पोर्ट का समुद्री खाड़ी का इलाका है, जहाँ से अक्सर मछुआरे अपनी बोट को लेकर जाते हैं। लेकिन अब जो नाव है उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पोर्ट की जेटी बनी हुई है वहाँ पे लगा दिया गया। लास्ट 6 घंटा देखा जाए तो साइक्लोन अभी स्टेशनरी है। अभी फिलहाल 260 किलोमीटर जखाऊ पोर्ट से है, अभी क्रॉस करने कल ही शाम को क्रॉस कर सकता है, क्रॉस करने का संभावना है नियर जखाऊ पोर्ट, जखाऊ पोर्ट का आजू बाजू होके। द्वारका का ये समंदर है कि जहाँ पे जो समंदर है वो उफान पे है, लहरें काफी ऊंची उठ रही है, और जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था आज और कल 2 दिन जो है वो रेड अलर्ट घोषित किया गया है। द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट का घोषित किया गया है। यहाँ पे जो है भारी बारिश होगी और जो हवाएं हैं वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो हवाएं चलेंगी। बिपरजॉय के टकराने से ठीक पहले आखिरी तैयारियां हो रही है मांडवी पोर्ट के इलाके में, जो मछुआरों का इलाका है, वहाँ जहाँ से नाव निकलती है मछुआरों की, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाते हैं। दरअसल ज्यादातर सामान इन नाव में होता है जो कीमती है, चाहे वो रेडियो हो, मशीन हो, मोटर हो, और वह इसलिए क्योंकि अगर पानी की रफ्तार, हवा की रफ्तार ज्यादा होगी जैसे की संभावना है, तो नुकसान कहीं ज्यादा होगा। और उसी नुकसान से बचाने के पहले देखिए, नाव के ऊपर जो छत का हिस्सा होता है वो निकाल दिया गया ताकि वो एरोडायनामिक्स के जरिए काम करे और हवा निकल सके, असर कम से कम हो। साथ ही बड़े बड़े मोटर रेडियो का जो हिस्सा है वो सब यहाँ से निकाला गया है। और अब आखिरी कोशिश की जा रही है, इन तमाम नावों को एक दूसरे के साथ बांधा जा रहा है ऐसे ऐसी रस्सियों से, ताकि जब समंदर और ज्यादा उग्र हो तो नाव एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर न जाएं। हम इस वक्त मौजूद हैं सूरत का ये स्वाली बीच है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग घूमने फिरने आते हैं। पब्लिक के लिए बीच को बंद किया गया है। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो समंदर की जो लहरें हैं वो दूर दूर से तेजी से उठती हुई आती हैं और इन किनारों से टकराती नजर आ रही हैं। यहाँ पर हवा भी तेज गति से चल रही है, जिसके चलते यहाँ की जो दुकानें वगैरह हैं, जो हम आपको एक बार दिखा दें, इस दुकानें हैं यहाँ पर जो आम दिनों में चलती हैं, लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं, वो उसके बास बंबू खाली दिखाई दे रहे हैं। कपड़े यहाँ पर पूरी तरह से बांध रखे हैं, जो टेम्परेरी बांधते हैं लोग, वो फट चुके हैं। तैयारी हमारी टीम मार्क्ड है, हम वेल इक्विप्ड हैं, हमको पता है कि क्या कार्रवाई करनी है। और अलग अलग जगह जो तहसील है कच्छ की, जहाँ ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, हमारी टीम प्लेस्ड है, और भी टीम अगर आएंगी तो उनको भी प्लेस किया जाएगा, और हमको अपनी तैयारी बिल्कुल तरीके से कर रखी है हमने। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इस तूफान के बारे में बताऊंगा। इस तूफान को बिपरजॉय नाम दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिपरजॉय का मतलब क्या है। ये नाम बांग्लादेश ने दिया है, जिसका मतलब होता है आपदा। और बड़ी बात यह है कि अरब सागर में इस तरह के ताकतवर तूफान बहुत ही कम आते हैं, लेकिन पहले की तुलना में अब इनकी संख्या 3 गुना तक बढ़ चुकी है। वर्ष 1965 के बाद तीसरी बार ऐसा हो रहा है, 1965 के बाद सिर्फ तीसरी बार जब इतना ताकतवर तूफान गुजरात के समुद्री तट से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा है। और जो मैं आपको बता रहा था, देखिए अरब सागर से ये होते हुए तूफान यहां गुजरात के समुद्री तट पर टकराएगा, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। कराची, ये कराची शहर है मेरे ठीक ऊपर, कराची इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा, और फिर गुजरात का जो तटीय इलाका है, कच्छ का इलाका है, सौराष्ट्र का इलाका है, वो इससे प्रभावित होगा। इससे पहले वर्ष 1998 में ऐसा ही एक तूफान गुजरात के समुद्री इलाकों से टकराया था, जिसमें 1000 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए इसको गंभीरता से लीजिएगा, तब 1000 लोगों की मौत हुई थी, और अब 25 साल बाद इस तरह का तूफान दोबारा से आ रहा है। बहुत गंभीर बात है यह। अरब सागर में इस तरह के ताकतवर तूफान बनने का एक बड़ा कारण होता है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो अक्सर लोगों को लगता है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये तो सिर्फ वैज्ञानिकों के का मुद्दा है, ये तो सिर्फ सेमिनार्स में और बड़े बड़े जो दुनिया के मंच हैं यूनाइटेड नेशंस में, वहां पर लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से मेरे जीवन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे लोग जो इस गलत फहमी में जी रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना खतरनाक होता है, जलवायु परिवर्तन क्या चीज होती है। असल में जिस सागर का तापमान, जिस समुद्र का तापमान ज्यादा होता है, यानी जो सागर ज्यादा गर्म होता है, वहां तूफान ज्यादा बनते हैं। लेकिन अरब सागर पहले इतना गर्म नहीं हुआ करता था, इसलिए वहां कम तूफान बनते थे। लेकिन अब अरब सागर का तापमान
बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब अरब सागर में तूफान बनने की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। आप कह सकते हैं कि अरब सागर अब गुस्से में है, गुस्से में तमतमा रहा है और अरब सागर गर्म हो रहा है। जो लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ चर्चा करने का मुद्दा है, आज उन्हें यह समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा बदलाव है जो इंसानों पर बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और संकट की तस्वीर कैसी होगी ये आज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो आप देख लीजिए, ये बिपरजॉय तूफान का जो लैंडफॉल होगा, जहां आकर मतलब ये भूमि से टकराएगा, जमीन से टकराएगा, वो है कराची, उसके बाद जखाऊ पोर्ट और यहां मांडवी। लेकिन भारत के और भी कई ऐसे इलाके हैं जो इस तूफान की चपेट में आएंगे, जिनके नाम हम आपको उससे पहले बता चुके हैं। एक दूसरे नक्शे के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, ये वो तमाम इलाके हैं जो डायरेक्टली सीधे सीधे इसकी चपेट में आएंगे। तो अगर आप इन इलाकों में कहीं रहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान हो जाने की आवश्यकता है। अगले 3-4 दिन आपको बहुत सावधान रहना होगा। दूसरा नक्शा भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो शुरू में आपको पहले में नक्शा दिखा रहा था जिसमें तूफान आपको दिखाई दे रहा था, और भारत के पूरे एक दूसरा नक्शा आपको दिखाएंगे जिसमें आपको, जी ये देखिए आप, इसमें अगर आप देख पाएंगे तो ये तूफान आगे चलकर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और राजस्थान के कई इलाकों तक जाएगा, और फिर धीरे 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 ये आगरा, सीतापुर, कानपुर, झांसी और इस तरफ निकलेगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों पर इसका असर तो कम होगा, लेकिन असर होगा जरूर। तो जो इलाके डायरेक्टली इसकी चपेट में नहीं भी आ रहे हैं वहां पर तूफान आ सकता है और वहां पर बारिश, तेज बरसात हो सकती है। तो आज तक पर इसकी जो विस्तृत कवरेज है, पल पल की जो जानकारी है, हर वो जानकारी जो आपके काम की हो सकती है, आपको अगले कई दिनों तक लगातार देखने को मिलती रहेगी। अब हमारा अगला विशेषण उन हमलों के बारे में है जो भारत पर चारों तरफ से हो रहे हैं। ये हमले हैं तो तूफानी, लेकिन हमारे समाज के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितना ये तूफान है। पूरी दुनिया में भारत शायद अकेला ऐसा देश होगा जिसकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, धर्म, डेमोग्राफी और युवाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि दुनिया की तमाम खतरनाक ताकतें, दुनिया के बहुत सारे देश भारत को किसी भी तरीके से अस्थिर करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए वो हर तरह का संभव प्रयास कर रहे हैं। इतने तरह के हमले मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी और देश पर होते होंगे, किसी भी और देश की सभ्यता पर होते होंगे, किसी भी और देश की जमीन पर होते होंगे। लव जिहाद, गेमिंग जिहाद, धर्म परिवर्तन, भारत के खिलाफ तमाम तरह के दुष्प्रचार, अलकायदा और लश्कर ए तौबा जैसे आतंकवादी संगठनों की भारत विरोधी साजिशें, यहां पर आतंकवादियों को भेजना, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज द्वारा नक्सलवादियों की मदद करना, यहां तक कि भारत में ही रहने वाले कुछ लोग, एनजीओज और उनके संगठन भारत को अस्थिर और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो कभी तो हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, कभी हमारे यहां अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ जाती है, कभी हमारे यहां धार्मिक आजादी खतरे में आ जाती है, कभी हमारे यहां लव जिहाद होने लगता है, कभी हमारे यहां आतंकवादी हमले होने लगते हैं। यानी दुनिया के एक न जाने कितने ऐसे देश हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, और पूरी दुनिया का शायद भारत अकेला ऐसा देश होगा जिससे इतना ज्यादा ईर्ष्या लोग करते हैं और जिस पर इतने प्रकार के अलग अलग हमले होते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको ऑनलाइन गेम के जरिए हो रहे धर्म परिवर्तन के एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के बारे में बताया था, जिसके शिकार हमारे देश के नाबालिग लड़के हो रहे हैं। अब इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे से जिस शाहनवाज मकसूद खान को मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था, उसके मोबाइल फोन में पुलिस को कम से कम 30 फोन नंबर ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तान के नंबर हैं। इसके अलावा पुलिस को इसके पास से लाहौर के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का आईडी कार्ड बरामद हुआ है, और यह भी पता चला है कि यह आरोपी कुल मिलाकर 6 ईमेल आईडीज ऑपरेट कर रहा था, जिसमें से एक ईमेल आईडी पर पाकिस्तान से लगातार जानकारियां भेजी जा रही थी। यानी पाकिस्तान कनेक्शन जो है वो साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और केंद्रीय जांच एजेंसियों से इस आरोपी
ने इस आरोपी से 7 घंटे तक लंबी पूछताछ की है, जिसमें इस आरोपी ने खुद ये माना कि उसके और गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन करने वाले गैर मुस्लिम लड़के के बीच 350 बार बात हुई है और ऑनलाइन गेम के जरिए इस लड़के को धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया था। आपको याद होगा, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, गाजियाबाद का एक लड़का था, नाबालिग लड़का, जो ऑनलाइन गेम्स खेलता था और फिर धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश हुआ और उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया उस नाबालिग लड़के ने, और वो नमाज पढ़ता था 5 बार दिन की मस्जिद में जाकर। उस लड़के से इस मुख्य आरोपी ने 350 बार बात की है। यह मामला कितना गंभीर है आप इसका अंदाजा लगाइए कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, और किसी भी मामले में एनएसए तब लागू होता है जब जांच एजेंसियां घटना और आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, और इस हिसाब से यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। और यहां बात सिर्फ इस मामले की नहीं है, गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यह तो हमने आपको बताया, तार देखिए कहां कहां जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद, उसके बाद मुंबई के पास ठाणे यानी महाराष्ट्र, यूपी, फिर इन दोनों के तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, और अब देखिए गुजरात। गुजरात की एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 4 लोग कश्मीर के हैं और एक महिला गुजरात के सूरत शहर की है। एटीएस का कहना है कि ये 5ों लोग पिछले लगभग 1 से 2 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे, और ये आतंकवादी संगठन, बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, इस्लामिक स्टेट खुरासान। इस्लामिक स्टेट खुरासान के लिए ये 5ों लोग काम कर रहे थे। गिरफ्तार हुए इन लोगों में एक 32 साल की महिला भी है, जिसका नाम है सुमेरा बानू। आगे बढ़ने से पहले, अभी जो हाल ही में फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, उसे आप याद कर लीजिए। हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यह फिल्म तो झूठी है, ऐसा होता ही नहीं है। अब आपको वही केरला स्टोरी गुजरात में दिखाई देगी। गुजरात के सूरत में रहने वाली इस महिला का वर्ष 2021 में तलाक हुआ था, शादी टूट गई थी, और इसके बाद यह महिला सोशल मीडिया के जरिए मोहम्मद जुबैर अहमद मुंशी नाम के एक व्यक्ति से संपर्क में आई, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान का आतंकवादी था। तो सोचिए, वो आतंकवादी इस्लामिक स्टेट खुरासान का सोशल मीडिया के जरिए सूरत में रहने वाली इस महिला तक पहुंच गया। बाद में जब यह महिला इस आतंकवादी के साथ रिलेशनशिप में आ गई, तो इसने भी इस आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया, और गुजरात एटीएस का कहना है कि ये लोग भारत छोड़कर ईरान के रास्ते अफगानिस्तान जाने की तैयारी में थे, और वहां जाकर ये सारे लोग आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने वाले थे। इनमें उबैद नासिर मीर, हनन हयात और मोहम्मद हाजिम शाह कश्मीर से गुजरात के पोरबंदर में आकर छिपे हुए थे, जहां से गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया और सुमेरा बानू को सूरत में गिरफ्तार किया गया है। सुमेरा बानू के परिवार का कहना है कि वो सोशल मीडिया के जरिए गुमराह हो गई और ये सब कुछ उसे प्यार के जाल में फंसा कर किया गया, जबकि गुजरात एटीएस को शक है ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जो धर्म परिवर्तन करके इस्लामिक स्टेट खुरासान में आतंकवादी बनकर शामिल हो सके। तो जो लोग द केरला स्टोरी को झूठा बता रहे थे, अब देख लीजिए वही की वही कहानी अब आपको असल में अपने सामने होती हुई दिखाई दे रही है। इस्लामिक स्टेट खुरासान आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की ही एक शाखा है, जिसका मकसद है खुरासान की स्थापना करना, और यह आईएसआईएस से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा कट्टर है, और आईएसआईएस बार बार यह कहता रहा है कि जब खुरासान की स्थापना हो जाएगी तो यहीं से एक सेना गजवाए हिंद के लिए भारत में आएगी और भारत को इसके बाद एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा, और तो यह जो है पूरी योजना है। अब आपको बताते हैं कि भारत में ऐसा क्या है कि चारों तरफ से हर प्रकार का हमला हमारे देश पर हो रहा है। केरल में भी लव जिहाद के नाम पर आतंकवादी संगठनों ने यही किया था। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एनजीओ ऐसे हैं जो भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, भारत में अभिव्यक्ति या धर्म की आजादी को और भारत में मानव अधिकारों को खतरे में बताते हैं। ये एक अलग तरह का हमला है। इन संगठनों और एनजीओ पर भारत को अस्थिर करने के आरोप लगते हैं। तो आज आप खुद सोचिए कि भारत में आखिर ऐसा क्या है कि सारी की सारी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत के ही पीछे पड़ी हुई है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है ईर्ष्या। भारत दुनिया के उन देशों में आता है जिनसे दुनिया के ज्यादातर देश आज ईर्ष्या करते हैं,
और इस ईर्ष्या के तीन प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है भारत की विविधता। देखिए, भारत की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है भारत की विविधता। भारत विविधताओं से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जहां हर 50 से 100 किलोमीटर दूर आगे चलने पर भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, खाना पीना बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है। और ये विविधता दुनिया के किसी भी और देश में नहीं है जो हमारे पास है। और सोचिए, 140 करोड़ लोग इस देश में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, और ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। दूसरा कारण यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है व्यापार के लिए, तो लोग व्यापार के लिए इतने बड़े बाजार से भी कई बार परेशान हो जाते हैं और उस बाजार को खराब करना चाहते हैं। तीसरा कारण यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो इस समय जो ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, उनमें पहली ताकत है वो है जो भारत को धर्म के नाम पर बांटना चाहती हैं, जो भारत को के 140 करोड़ लोगों को बांटना चाहती हैं। इसलिए वो बार बार ऐसी स्थिति पैदा करती हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग जो है आपस में बट जाए, भारत एक आर्थिक शक्ति बन जाए। क्योंकि भारत अगर मजबूत होता है तो अमेरिका के लिए, ना ही चीन के लिए, किसी भी बड़े देश के लिए, किसी भी सुपर पावर के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि पश्चिमी देशों के कुछ संगठन भारत के लोकतंत्र को लेकर अक्सर चिंता जाहिर करते रहते हैं। तीसरे वर्ग में वो पड़ोसी देश आते हैं हमारे, जो भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और भारत को अपने से आगे निकलने नहीं देना चाहते। हालांकि ऐसे जो लोग हैं उनमें ईर्ष्या ज्यादा है, क्योंकि एक जमाने में खास तौर पर पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। जैसे चीन है, जो सीमा पर तो भारत को चुनौती देता है, साथ ही साइबर हमलों की मदद से भारत को अस्थिर भी करना चाहता है। और हमारे जो बाकी के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी हमारी किसी न किसी चीज को लेकर अक्सर अनबन चलती रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत असल में इतनी सारी ताकतों से एक साथ संघर्ष कर रहा है, चाहे वो पश्चिमी देश हों, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हों, चाहे वो धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन हों। वो कभी हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करते हैं, कभी हमारे सोसाइटी पर, हमारे समाज पर हमला करते हैं, कभी धर्म परिवर्तन करते हैं, कभी अपनी सेना के जरिए हमला कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान ने कई बार हम पर हमला किया, कभी चीन सेना के जरिए हमला करता है और कभी चीन साइबर अटैक्स करता है। तो इतने सारे हमले हमारा देश झेल रहा है। कहते हैं किसी के जाने के बाद भी दुनिया रुकती नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन सुशांत एक ऐसे एक्टर थे जिनके जाने के बाद एक बार को ऐसा लगा जैसे देश कुछ समय के लिए रुक गया। आज हम आपको बताएंगे कि सुशांत की मौत के बाद से कैसे बॉलीवुड के बुरे दिन शुरू हो गए थे। आज ही के दिन याद कीजिए 14 जून 2020 को, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की खबर आई थी। उस दिन से ही हमारे देश में बॉलीवुड के बारे में बातें करनी शुरू हो गई थी, बॉलीवुड के बुरे दिन शुरू हो गए थे और लोगों का पहली बार बॉलीवुड से इस कदर मोह भंग हुआ था। सबसे पहले बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ और यह आरोप लगे कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स या तो ड्रग्स लेते हैं या वो ड्रग्स के सिंडिकेट के संपर्क में रहते हैं या खुद उसका हिस्सा है। इसके बाद बॉलीवुड में परिवारवाद पर बहस शुरू हुई और लोगों को यह समझ में आया कि कैसे एक स्टार का बेटा ही स्टार बनता है और उसे ही बड़ी बड़ी फिल्में मिलती हैं। और सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में एक आउटसाइडर थे, इसलिए बॉलीवुड के इस परिवारवाद वाले मॉडल ने देश के लोगों को गुस्से से भर दिया और देश के लोगों को लगा कि सुशांत एक ऐसे परिवार से आते थे, बॉलीवुड से बाहर से आते थे और इसीलिए उनके साथ ये भेदभाव हुआ और उन्हें बड़ा स्टार बनने से रोक दिया गया। इस परिवारवाद के बाद बॉलीवुड के अंदर की राजनीति भी उजागर हुई, जिसमें बाहरी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। और इन सारी घटनाओं से देश के लोगों में बॉलीवुड को लेकर जो आक्रोश पैदा हुआ वो सीधे सीधे थिएटर्स पर दिखाई दिया और बॉलीवुड के ऐसे दिन आ गए कि वो एक एक हिट के लिए भी तरस गया। तो आज आप सोचिए, आज बॉलीवुड कैसी स्थिति में है। आज बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं उन्हें अपनी फिल्म रिलीज से पहले डर लगता है, आज थिएटर्स खाली पड़े रहते हैं और आज बॉलीवुड को लेकर, बॉलीवुड की चकाचौंध को लेकर हमारे देश की जनता में जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण रहा करता था वो आकर्षण अब बिल्कुल फीका पड़ता जा रहा है। और ये सब कुछ शुरू हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद। सुशांत सिंह राजपूत को लोग आज भी याद करते हैं क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड एक्टर थे,
और उनका इतनी जल्दी चले जाना ना तो बॉलीवुड के लिए अच्छा था और ना ही उनके फैंस के लिए अच्छा था। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय खबर बताते हैं। भारत के बाद अब रशिया पाकिस्तान को भी सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेच रहा है। पहली बार रशिया का एक कार्गो शिप 45,000 टन कच्चा तेल लेकर कराची पहुंचा है और चौंकाने वाली बात यह है कि कच्चे तेल के भुगतान के लिए पाकिस्तान ने यूएस डॉलर्स का नहीं बल्कि चीनी मुद्रा युआन का इस्तेमाल किया है, यानी पेमेंट युआन में हुई है। दुनिया भर में हो रहे निर्यात का भुगतान अक्सर डॉलर पर केंद्रित होता है, ऐसे में कच्चे तेल का युआन में भुगतान होना चीन की करेंसी को मजबूती देगा। पाकिस्तान ने अप्रैल में रशिया से कम कीमत पर 1,00,000 टन कच्चा तेल खरीदा था और पाकिस्तान और रशिया के बीच कच्चे तेल की यह डील असल में चीन ने करवाई है और इस डील को रशिया और पाकिस्तान के संबंधों की नई शुरुआत भी आप मान सकते हैं, जबकि रशिया को इससे कच्चा तेल बेचने के लिए एक नया बाजार मिल गया है, एक नया ग्राहक मिल गया है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने उस पर पहले से ही सैंक्शन लगा रखे हैं। हालांकि जिस दिन पश्चिमी देश रशिया पर लगाए आर्थिक प्रतिबंध हटा लेंगे उस दिन रशिया सस्ते दामों पर यह कच्चा तेल देना बंद कर देगा, यानी उसके बाद पाकिस्तान को मिलने वाली यह राहत बंद हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है और यह पूरी डील चीन ने करवाई है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पेमेंट भी युआन में ही हो रहा है। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं।